Yo, what's up guys? कैसे आप सभी लोग? Welcome back to another gameplay video. तो आज हम लोग खेलने जा रहे हैं World of Tanks. Last time जो मैंने गेम खेला था तब बहुत ही ज्यादा मजा आया था, इसीलिए मैंने सोचा कि एक बारी और दोबारा से इस गेम को खेला जाए. तो बेसिकली इस गेम में बहुत ही क्रेजी और डिस्ट्रक्टिव टैंक बैटल्स होते हैं, और जिन लोगों ने गेम खेला उन्हें तो पता ही होगा कि आखिर कितना सिंपल और सुपर फन गेम है. बाय द वे, इस गेम का सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि ये कंप्लीटली फ्री टू प्ले फ्री टू विन गेम है, यानी जीतने के लिए आपको स्किल्स की जरूरत है, पैसों की नहीं. और वर्ल्ड वाइड 150 मिलियन प्लेयर्स है यार इस गेम में. लेट्स गो, देरी किस बात की, जल्दी से हम भी चलते हैं तो भाई मचाने. ऑलराइट गाइस, वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ टैंक्स. तो आप लोग को याद होगा कि अपना पहले वाला लॉबी काफी सिंपल सा था, बट अभी क्या है ना, हर जगह सर्दियां पड़ चुकी है और फेस्टिव सीजन चल रहा है. लाइक अभी क्रिसमस गया है, फिर न्यू ईयर आने वाला है, तो वर्ल्ड ऑफ टैंक वालों ने लॉबी को भी बहुत ज्यादा सजा दिया है भाई. पीछे क्रिसमस ट्री और हर तरफ क्या है, स्नोफॉल हो रहा है भाई. एंड आई थिंक हम लोग भी इसमें थोड़ी बहुत डेकोरेशंस कर सकते हैं. एक सेकंड, तो अपने विलेज को डेकोरेट करने के लिए मुझे डेली यहां से रिसोर्सेज कलेक्ट करने हैं. उसके बाद ये जो अपना पूरा विलेज व्यू है इसको हम लोग डेकोरेट कर करके चेंज कर सकते हैं. जैसे यहाँ पर क्रिसमस ट्री है, राइट वाली साइड पर एक ये इंस्टॉलेशन का है, तो बहुत सारी चीजें जो कि यहाँ पर मैं बना सकता हूँ. लाइक यहाँ पर मैं एक स्नोमैन बना सकता हूँ, ये वाला, मतलब स्नो से कुछ तो स्टैचू बन जाएगा. ये आर्नोल्ड का स्टैचू है भाई. अब आर्नोल्ड द बॉडी बिल्डर का स्टैचू लगाया, तो थोड़ी बहुत लाइट्स भी लगा देते हैं भाई यहाँ पर नीचे, मस्त लगेंगी. यह अब आ रहा थोड़ा सा ग्लो, ये वाली डेकोरेशन भी बनती है पीछे. और एक ये कासल बना देते हैं यहाँ पर. नाइस, परफेक्ट. फिलहाल आज के लिए इतनी डेकोरेशन बहुत है. बाय द वे गाइस, इस गेम में 30 से ज्यादा मैप्स और बहुत सारे गेम मोड्स हैं, और फाइट करने के लिए हर टाइप के टैंक्स मिलेंगे. ये देखो भाई, यहाँ पर ये हैवी टैंक है, लाइट टैंक है, मीडियम टैंक है. टोटल 600 से ज्यादा टैंक्स है भाई इस गेम में. तो मैं एक बढ़िया सा ढूंढता हूँ यार, रुक जाओ. इसमें ना टैंक के लेवल होते हैं, जैसे ये लेवल 8 का है, मैं 10 का ढूंढता हूँ. ये लेवल 10 के टैंक है भाई, थोड़े से तो डेंजरस लग रहे हैं. वैसे गाइस देखने में तो मेरे को हैवी टैंक्स पसंद है, क्योंकि ये बहुत बड़े होते हैं और बहुत पावरफुल होते हैं, लेकिन यार इनका ना स्पीड कम होता है और अपना गेम प्ले है फुल एग्रेसिव. तो मैं टैंक करने वाला हूँ लाइट वेट, जिसकी हेल्थ वगैरह थोड़ी कम रहेगी, बट वो बहुत फास्ट भागेगा. तो अपने पास लाइट वेट में लेवल 10 का एक ये टैंक है, एक ये छोटा सा टैंक है. बट वेट यार, टैंक तो सिलेक्ट हो गया है, बट मैच स्टार्ट करने से पहले हम लोग इसे थोड़ा बहुत कस्टमाइज कर लेते हैं. लाइक अभी ये काफी सिंपल टैंक लग रहा है, मैं सोच रहा हूँ कि इस टैंक पे इंडिया का फ्लैग लगाया जाए, और इसे अपने हिसाब से थोड़ा मैं कलर करेक्शन करता हूँ इसकी. लाइक मेरे को ये वाला जो पार्ट है ये येलो कलर का चाहिए, और बॉटम पार्ट इसका ये पूरा बेस भी येलो कर देते हैं. एंड इसकी जो नोजल है उसको मैं ब्लू कर देता हूँ, मस्त दिख रही है वो. थोड़ी अजीब सी दिख रही है, बट ठीक है, थोड़ा अट्रैक्टिव कलर्स होते हैं ना तो चीज अच्छी लगती है. अब वो ब्लू करा है, तो सोच रहा हूँ इसकी जो चेन है ना ये भी ब्लू कर दूं. अब दिख रहा है भाई अपना टैंक थोड़ा सा डिफरेंट. ओके, तो भी एकदम मस्त पेंट वगैरह हो चुका है अपने टैंक पे. अब मैं सोच रहा हूँ कि थोड़े ना इस पे कैमरा वगैरह डालते हैं. अपने पास एक ये वाला ऑप्शन है, इसको मैं ऊपर लगा सकता हूँ यहाँ पे, तो इसको फाइनल करते हैं. अभी चलते हैं डिकल्स पे, मैं यहाँ पर बहुत सारे लोगो लगा सकता हूँ. मेरे पास एक टाइगर का लोगो है, इसको हम लगाते हैं बैक साइड पे. यहाँ पे ईगल का भी लोगो है अपने पास, एक यहाँ पे लगा देते हैं, दूसरा यहाँ पे लगा देते हैं. भाई अभी फ्रंट साइड तो उसकी आंखें लग रही है अपने टैंक की, दोनों की दोनों. ओके, तो बारी है इंडियन फ्लैग लगाने की. टैंक एक इस तरफ लगाते हैं, एक यहाँ पे लगाते हैं, और एक बस दो बहुत. लेट्स गो गाइस, तो फाइनली अपना टैंक फुल रेडी हो चुका है फाइट पर चलने के लिए. बट फाइट पर जाने से पहले ना मैंने अपने दो फ्रेंड्स को बुला लिया गेम में कस्टम रूम में, जाके एक बार उनके साथ फाइट करके देखते हैं कि आखिरकार तुड़ाई के मामले में टैंक कितना डेंजरस है. लेट्स गो, तो दोनों लोग आ चुके हैं. टैंक देख रहे हो भाई? अरे भाई साहब क्या घटिया टैंक लाए हो यार, कहां से घटिया? माचिस की डब्बी लग रही है, की डब्बी पैस की लग. तेरा टैंक कौन से लेवल का, पहले तू वो बता. अरे 6 लेवल का है रवि तुम्हारा. हां भाई मेरा भी 6 का. ये लेवल 10 का टैंक है भाई, देखने में छोटा है पर लेवल 10 का टैंक है. तुम आओ बैटल करो, अभी तुम्हें बताता हूं मैं. लेट्स गो गाइस, तो बैटल स्टार्ट हो चुका है और अपना टैंक सच में यार बहुत ज्यादा छोटा है, लेकिन इसकी खास बात यही है, स्पीड देखो भाई इसकी. बारी रेडी हो जाओ भाई तुम पिटने के लिए, मेरी लंबोर्गिनी आ रही है बस तुम्हारे पास. अरे आओ तो सही, एक मिनट तुम्हें बता भाई. मेरा टैंक भाई 150 की स्पीड में भगता हुआ आ रहा है, तुम हो कहां पर, बस दिख जाओ एक बारी. वैसे 150 थोड़ा ज्यादा, 150 भी नहीं है. आ रहा हूं, बस आ रहा हूं मैं, थोड़ा सा पास में कासल दिख रहा है सामने बड़ा बड़ा, उधर से आ रहा हूं मैं. वेट रस्की ऑफ नो भाई, एक सेकंड रुक जाओ. तुम्हारी ऐसी रस्सी, मेरा शॉट पड़ा, तुम्हारा मिस हो गया. एक सेकंड भाई, मार यार इसके, मार 3 2 1 लेट्स. यार मैंने अभी एक चीज नोटिस करी अपने टैंक की, कि ये रीलोड होने में काफी टाइम लगा रहा है, बट इसका डैमेज सीधा 400 का मार. क्या बोल रहे थे पे है इसकी टक्कर मार. अबे मैं लग गया भाग रहा पड़ेगा मैं 400 हेल्थ हूं. धोखे से निकल गई भाई, रुक जाओ. मैं अपने टैंक को कुछ ज्यादा ही ओवर पावर समझ रहा था, मतलब है, बट बेचारा हेल्थ भी बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा. मेरे मुंह से निकल गई थी भाई, मैं पीट दूंगा, मैं बता रहा हूँ, फोड़ डालूंगा.
येलो बोलो फालतू बोलो फालतू ऐसी की तैसी पूरा ढेर कर दिया भाई एक बंदे को, तो बचा दूसरा बंदा यहीं कहीं था। बट कहाँ चला गया भाई एंट, तू कहाँ पर है एंट भाई? अभी तो दिख रहा था भाई एकदम झटके में गायब हुआ है अचानक से, जैसे एक बंदा मरा। वेट यार ये एंट कहाँ पर चला गया मेरे को समझ नहीं आ रहा। वैसे हाँ गाइस मैं अपने टैंक को कुछ ज्यादा ही अच्छा समझ रहा था, बट ये सिर्फ अटैक के मामले में और स्पीड के मामले में अच्छा है। अगर इसके कोई सामने से बुलेट दे दे तो इसकी भी एचपी बहुत जल्दी डाउन हो जाती है यार। भाई एक सेकंड यार मैं समझ नहीं आ रहा कि ये कहाँ पर घूम रहा है। पपे तू कहाँ पतली पतली गलियों में घुस गया क्या यार? वो एक बेस है कोई का वहाँ पे लेटा हुआ है यार। मैं ऊपर देखा नहीं, भैंस के 40 सेकंड्स और बचे बस। गाइस ये ना बेस कैप्चर वाला गेम था और वो बदतमीज मेरे से फाइट कर रही है बेस कैप्चर। रुक जा तू, रुक जा, मैं टैंक टेस्ट करने आया था। तू पिटा पिटा, पहले तो ये अच्छे से फाइट कर रहा था, जब इसको पता चला कि ये पिटने वाला है मेरे टैंक से तब भक्कर गए रहे वहाँ पर। रुक जा 25 सेकंड बचे हैं, छोड़ूंगा तो नहीं बेटा, लेकिन तू है कहाँ पर? अच्छा बोरा अब बेटा तेरा खेल। अबे तेरी तेरी ऐसे क्या, तू बचेगा नहीं, बचेगा नहीं, बचेगा। -420 आजा बेटा आजा आजा आजा, एक और शॉट दे रहा है बस एकदम प्यारा वाला। झाड़ी के पीछे देता हूँ एक सेकंड, रुक जा। तूने मेरे टैंक के भी ना स्पीड हल्के में ले रहा, तू आजा ले मार, निशाना ही नहीं लगा पाएगा तू। अबे लगा दिया क्या तेरी ऐसे क्या, ये ले। ओ भाई -20 HP। ओ यार मैंने अंडर एस्टिमेट करे इसलिए तुम भाई मैंने छोड़ दिया तुम्हें, वो पता नहीं है बात। मैं चाहता एंड को उड़ा सकता था यार, बहुत इजी जाओ भाई, कुछ इजी नहीं था, पिटे तुम यार। मुझे बहुत एक्सपेक्टेशंस थी इस टैंक से, बट ऐसी बात नहीं है यार, आपका टैंक भी बहुत तगड़ा था, मतलब मेरे को मार दिया और एंड को भी ऑलमोस्ट मार दिया। मार सकता था, वो छोड़ना नहीं था यार, हमें भी चाहिए यार ये टैंक। तो लो ना फिर भाई, 2 December से लेकर 9 January तक वर्ल्ड ऑफ टैंक का भाई सबसे बड़ा इन गेम इवेंट चल रहा है हॉलीडे ऑप्स का। यहाँ पर राइट में देखो तुम्हें ऐसे दिख रहे होंगे बहुत सारे बॉक्सेस, उस पर क्लिक करके क्रेड ओपन कर। मैं ओपन करके देखता हूँ, लार्ज न्यू ईयर बॉक्स है वाली चीज, तो फेस्टिव सीजन्स के लिए इसमें है। ओके क्रिस्टल्स मिले, लॉबी अपग्रेड करेंगे और भाई 5 lakh कॉइंस, बहुत सारे रिवॉर्ड्स है, सारे खोल दो भाई। वेट एक सेकंड, मुझे एक कैट मिल गया भाई, लेट्स गो भाई। मैं तो बस खड़ा ही खड़ मल्टीपल बॉक्सेस ओपन करता जा रहा हूँ, गिफ्ट मिलते जा रहे हैं। अच्छा राइट साइड में एक हट आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके पीछे जाओ। इन लोग का ना कोलैब हुआ है हॉलीवुड सेलिब्रिटीज के साथ, इसमें आर्नोल्ड और ये मिला है, और ये पहला कोलैब नहीं है, इससे पहले भी इनका एक कोलैब हुआ था F4 कार के साथ। तो यहाँ पर ऐसी बहुत सारी चीजें जिसको हम लोग यूज चैलेंजेस कंप्लीट कर अनलॉक कर सकते हैं। ओह वेट, अभी मैं समझ गया क्या सीन है। जो दोनों सेलिब्रिटीज आए हैं ना, आर्नोल्ड एंड मिला, ये हम दोनों को ऐसे मिशंस देंगे और उन मिशन को कंप्लीट करने पे हमें एक्स्ट्रा गिफ्ट मिलने वाले हैं। जैसे उसने मिशन दिया अर्न एटलीस्ट 707 पॉइंट्स ऑफ बेस एक्सपी इन वन बैटल। मैं तो सही बता रहा हूँ, जो लोग गेम नहीं खेलते हैं ना, ये सबसे बेस्ट टाइम है भाई गेम स्टार्ट करने का। मतलब यार तुम्हें आती प्रीमियम टैंक मिल जाएगा, सेलिब्रिटी मिशंस, बहुत सारे गिफ्ट्स, लार्ज बॉक्सेस, भाई बहुत कुछ है, स्टार्ट कर दो। मैं तो जा रहा हूँ पहले मिशन करने भाई, मेरे को टैंक खोलने और भी। और हाँ ये इवेंट सिर्फ पीसी के लिए नहीं, मोबाइल कंसोल सबके लिए है, तो सब एंजॉय कर सकते हो। चलो एक काम करते हैं, सब लोग ना बराबर का टैंक कर लो। मैं level 6 का सोच रहा हूँ लाइट टैंक लेकर आऊँ, क्योंकि यार लाइट टैंक ना थोड़े तेज भागते हैं तो मजा आता है। ठीक है, तो अभी हम तीनों लोगों ने ना सेम लेवल का टैंक रख दिया, क्योंकि अगर मेरा 10 का हो जाएगा तो फिर मेरे लिए काफी आसान हो जाएगी गेम। लेट्स गो गाइस, तो अभी हम लोग अपने फर्स्ट मैच में आ चुके हैं और हमें अपनी टीम में टॉप 5 रैंक करना है मिशन कंप्लीट करने के लिए, उसके बाद गिफ्ट मिलेंगे। ठीक है ना, काम करो तुम लोग राइट साइड में हो, पहले हम तीनों एक साथ आते हैं फिर आगे चलेंगे। बाकी ये कि एक मैच खेलने पे एक फ्री टैंक मिल जाएगा, इतनी गारंटी है। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आना क्या? मैं तो पीछे जा रहा हूं। इधर इधर इधर, चाचा तेरी अंधा है क्या? मेरा छोटा टैंक का टक्कर मत मार। ओ मेरे को दिख गया आ रहा है अभी। ए रवि को हमारा टैंक ही नहीं दिख रहा, इधर है, इधर 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 आओ जरा, जल्दी आओ। देखो मेरी बात सुनो, तुम दोनों हैवी टैंक। अरे भैंस की पेड़ कहां से आ गया? गिरा गिरा, अबे टैंक है, टैंक के लिए पेड़ कुछ नहीं है भाई। बाकी हाँ मैं ये कह रहा था कि तुम दोनों हैवी टैंक, मेरे को ऐसे बीच में ना कवर करके चलो, ऐसा छोटा भाई होता है ना, मेरे लगनी नहीं चाहिए, मेरे को तुम्हें प्रेजेंट बना के रखना है मेरे को। अबे आगे गए यार, लेफ्ट में लेफ्ट में लेफ्ट में लेफ्ट वाले पे चलो। स्कीम है, स्कीम है, 286 है, 286 पूरा मार रहा हूँ। ओरे भाई अरे बजा दिया, मेरा किल। ओह गाइस लेट्स गो, चलो चलो चलो, राइट 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 भाई। यार अभी हम तीनों में बैटल चल रहा है टॉप 5 रैंक करने का। वैसे हम तीनों भी तो आ सकते हैं टॉप 5 में, बदतमीज। ओके 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 गाइस, तो भी मेरे को सामने 2 टैंक मिल चुके हैं, जल्दी। ओरे भाई मार रहा। मैंने अभी नोट करा कि मेरे टैंक की प्रॉब्लम ये है कि इसका जो आगे नोजल है ना, ये बस 360 रोटेट नहीं करता है। ओ नहीं, हम लोग गाइस मरने वाले हैं। राइट में आ रहा है, राइट में आ रहा है। रुक जाओ, इसको मैं देता हूं, निकल यहां से। गया -110, लेट्स गो। एक और शॉट, एक लास्ट शॉट, परफेक्ट परफेक्ट। एक और है सामने, एम फायर। अबे मेरे को ले गया, वो मेरे को ले गया ऑलमोस्ट। हेल्प हेल्प हेल्प। ओ वे भाई, अभी रवि भी लपेटा जा चुका है। अब हमारी टीम में से लास्ट बचा है एंड। मार दे भाई इसको, मार दे, वो बहुत गलत पोजीशन पे बैठा हुआ। अरे भाई उसकी टीम आ गई, कोई नहीं तू इसको मार, तू इसको मारना, बढ़िया। बस 2 शॉट हो गए, तू गया भाई, तेरी बेल्ट में उतर गई। कोई बात नहीं गाइस, एक शॉट का दिल पे लगी भाई।
हम टॉप फाइव में आने की बात कर रहे थे, हम लोग बॉटम से टॉप फाइव नहीं यार, बॉटम से टॉप फाइव नहीं, हम लोग ऐसे बॉटम से टॉप 15 बाहर हुए। अभी ना बहुत मजाक हो गया भाई, मैं मीडियम टैंक यूज कर रहा हूँ या फिर हैवी टैंक लूँ? ठीक है गाइस, तो अभी मैं यूज करने वाला हूँ एक्सेलशियर, ये बहुत डेंजरस टैंक है। ये लेट्स गो, तो अभी अगला राउंड आ चुका है, चलो 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 भाई, ये वाले मैप में अभी अभी सुनो एक चीज देख लो, यहाँ पर रुको, यहाँ पे ब्रेक लगाओ, इधर आ भाई, हम तीनों के टैंक अभी सेम है, तब तुम बस मेरे साथ आ जाओ, स्ट्रैटेजी में बता पीछे करो, साथ आओ, अब बता दो मैं तुम्हें स्ट्रैटेजी, एक सेकंड में ना सबको लपेट डालेगी। अबे वहां से कहां से आ रहे हैं, आजा आजा आजा, कोई टारगेट ओ भाई साहब, ये कौन है भाई, हमारे लेवल के ये है भाई, तू इसको कहां लेके घूम रहा है, नहीं नहीं भाई उज्जल भाई को, अरे रुको रुको, सामने से एक टैंक आ रहा है 570, कैसे भाग रहा है वो, पकड़ उसको साले को, रुक जा इसको ऐसे चप्पल फेंक के मारूंगा ना इसके, भी रुकना, ये दीवार तोड़ो, ये दीवार तोड़ के मेरे पीछे, ये कौन है, नशे में चला रहे होगा टैंक। ऑलराइट, सो अभी हम लोग अपने टैंक लेकर गलियों से होते हुए पता नहीं कहाँ पे जा रहे हैं यार, मेरे को लग रहा था रास्ता होगा, बाकी मेन रोड है, थोड़ा रुको 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 रुको, ये कवर कवर मान के चलो, सामने हम तीन लोग हैं, ओपे मारा किसी ने भाई, वो सब ठीक है, मेरे को किसने मारा मुझे ये नहीं, एंट जाएगा तू मरेगा, तूने जो हरकत करी है तू जाएगा बेटा, निकल यहाँ से, मार एंट इसको, मैं से लपेट दूंगा, आ जाओ आ जाओ, गया बेटा तू तो गया, 1000 एचपी होगी तेरे घर में, अब एंट भगाना, खड़े मत कर, खड़े मत करना तू, 22 बार मेरी भी उतर की चैन भाई, उसके और बंदे बुला लिए उसने, इसको लपेट दो, लेकिन निकल यहाँ से भाई, मैं अबे मेरे को कवर चाहिए, मैं मर जाऊंगा, मैं निकल लो निकल लो निकल, अबे भाई उजल भाई तो मर गए, अबे एक टैंक यार यहाँ से कैसे मार रहा है इतनी दूर से, अभी हम पिछले दो बैटल हार चुके हैं, यहाँ हम लोग मिशंस कंप्लीट करके रिवॉर्ड की बात कर रहे थे, लेकिन पिटाई हो रही है यार, तो सुनो अभी हम लोग थोड़ा पीछे रह के खेलेंगे, बात बिल्कुल सही कह रहा हूँ भाई, तो हम लोग क्या एकदम ऐसा शेर दिल है, तो मैं से, अरे तुम निकलो भाई, क्या हो गया, सुनो हम तीनों एक बारी राइट में चलते हैं और आराम से, ये बेसिकली ना बेस कैप्चर मैप है, तो हम लोग या तो अपना बेस डिफेंड करें या फिर उन लोग का जाके तोड़े, अबे एक बंदा आ भी गया, लॉन्ग रेंज बैठ के फाइट करने वाला भाई, मुझे नहीं पता, मैं जा रहा हूँ कवर में, तुम्हें मेरे साथ आने आओ, वरना भाई मैं तो मैं जा रहा हूँ, एक बंदा उधर से आ चुका है, वो देखो वो आ रहा है बहुत तेजी में आ रहा है, वॉल के पीछे क्या, मैं कह रहा हूँ उसकी 274 एचपी, हम लोग उसे बहुत इजीली किल कर सकते हैं, बाय द वे गाइस इसका लाइट टैंक है तो डैमेज हो सकता है ज्यादा हो, बट इसकी डिफेंसिंग बहुत कम होगी, आ रहे आ रहे हम तीनों साथ में, लेफ्ट में एंट है, मैं इसे मेल की किल में, मेरा किला भाई, एक सेकंड 63 एचपी भाई, आने दो आने दो, तेरी भैंस की टांग, मैंने मारा भाई, हम तीनों ने मारा, बाय द वे सुनो यहीं पे होल्ड करते हैं, बढ़िया जगह भाई, यहाँ पर क्या ना कवर भी ले सकते हैं और अटैक भी कर सकते हैं, मैं यहीं बैठ रहा हूँ भाई, बैठ रहा हूँ, मुझे ये मेरी जगह गली में बैठ जाओ एक जन, यस भाई क्या क्रेजी जगह पर भी अपना टैंक ले आए हैं हम लोग, बट एनिमी किसी ने मेरे को टारगेट बनाया, किसी ने मेरे को टारगेट बनाया, डिटेक्ट हुआ बट वो स्पॉट नहीं हो रहा है, सुनो एक लेफ्ट साइड में रीकू करके इसको लपेटो, 274 है और वो मेरे को दिख रहे हैं बट वो किसी हट के पीछे है, नहीं नहीं बहुत दूर है, यहीं पे बैठो यहीं बैठो यहीं पे बैठो, जीत रहा भाई ये वाला मैच, भाई दो आर कर आए, शर्म नहीं आ रही तेरे को, अभी फिर रश करना है, ब्लास्ट होगा ब्लास्ट होगा, हाँ मार दिया मार दिया, नाइस, अब जान से रहा था पानी में, मैं टैंक डुबा देना, पता नहीं निकले ना निकले, मुझे नहीं पता, हम लोग ना फ्लैंक कर सकते हैं क्योंकि राइट साइड ज्यादा, तो करना है फ्लैंक, वही हो गया, तुम आ जाओ फ्लैंक करो, यहाँ से छुप के आ जाओ ना, यहाँ पे तो बिल्कुल, अरे छुपन छुपाई वाली गेम रही, वही नहीं खेलते, इधर आओ, हाँ तू तो यही नहीं, हमें आदत नहीं है इधर से राइट से, भाई देखो अभी हल्के में, मतलब अभी भी उनके बहुत सारे प्लेयर अलाइव बचे हैं, और मेरे को किसी ने टारगेट बनाया, हमारे प्लेयर ज्यादा मरे हैं वैसे, हाँ मैं वही तो कह रहा हूँ, एंड आई थिंक हमने बहुत गलत करा, अपनी पोजीशन लूज करके वापस चलो, वहीं पे वापस चलो वापस चलो, क्योंकि हम जिस जगह पर है ना, अगर बाय चांस हमारी किसी से फाइट हुई तो धड़ाधड़ बस पड़ते जाएंगे, मैंने एक टैंक को देखा, एक टैंक को देखा और शॉट बजाया बट मिस था, ओ वेट मेरे पड़ा भाई कहीं से तो पड़ा, आपको कवर में जाना चाहिए, हाँ हाँ मेरे को दिख गया टैंक जिसने मेरे को मारा है, अबे बहुत सारे लोग आ गए अभी, तो इसको मारो ना फुल्लू को, फुल्लू नूबड़े फुल्लू की, उसके आर्मर्ड एरिया पे लग रहा है यार, रुक जाओ उसके साइड अटैक करना होगा भाई, तगड़ा शॉट मारा भाई इसके तो, लेट्स गो इसको तो मारना है भाई, बस ये ले -10, इतना कम डैमेज क्यों जा रहा है इसे, टैंक मेरे को मिल चुका है बट यार वो बहुत तगड़ी पोजीशन पे है, तो ऑलमोस्ट मेरे को मार ही दिया वैसे, मैं गया ओ वेट यार ऑलमोस्ट उसे किल कर दिया था भाई, बट पता है हमें हमारा मिशन हो गया क्योंकि हमें अपनी टीम में टॉप 5 रैंक करना था, तो मिशन हो गया, यस हार गए बट मिशन हो गया होगा, लेट्स गो मिशन हो चुका है, मुझे पता था, देखो 100% डिस्काउंट ऑन टीयर 3 व्हीकल, लेट्स गो, मतलब 100% डिस्काउंट यानी फ्री मिल रहा है ना, यही तो मैं कह रहा था, मिशंस करते जाओ भाई आपको चीजें मिलते जाएंगी, तो चलो गाइस आज के सारे वीडियो में इतना ही, आई होप आपको वर्ल्ड ऑफ टैंक का ये गेम प्ले वीडियो भी जरूर अच्छा लगा होगा, वैसे यार जो मैंने नया नया गेम खेलना स्टार्ट करा था ना तब
तब इतने हार्ड प्लेयर्स नहीं आते थे, बट अभी तो भाई सारे बंदे डेंजरस हो चुके हैं। लेकिन ठीक है, आज तो मैं हार के जा रहा हूँ, बट अगली बार जब मैं वर्ल्ड ऑफ टैंक्स में आऊंगा तबाही मचा डालेंगे। फिलहाल आज की वाली वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, तो जाओ यार वीडियो को लाइक कर दो। और मैं तो सही बता रहा हूँ, ये बहुत परफेक्ट टाइम है गेम अगर आप लोग ये नहीं खेलते स्टार्ट करने का, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अभी जाके ज्वाइन करो। बहुत मस्त मस्त इवेंट चल रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे प्रीमियम टैंक्स, लार्ज बॉक्सेस, डेकोरेटिव गैराज, बहुत कुछ। तो जाओ यार स्टार्ट कर दो। बाकी कमेंट्स करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा, और सब्सक्राइब कर देना चैनल को अगर अभी तक आपने नहीं करा है। बाकी मैं आप लोगों से मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।